कहाँ ही देखा कितने टाइम बाद जगह है एक निकलेगा वाले में भी है अब इसको इतना जोड़ दूंगा बाकी खुद निकलेगा नहीं नहीं पूरा ही निकाल दो ये इसका शैल थोड़ा मजबूत होता है ना ये नहीं तोड़ पाते इतनी आराम से इनका अपना शैल तो नाजुक होता है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, पहले तो यार पीछे की जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही है ना, ये इसको तुम लोग नज़रअंदाज करना, क्योंकि जनरेटर चल रहा है और लाइट जो है ना वो हमारे इलाके में तकरीबन सुबह 10 से जा रही है और शाम के 6, 7, 8 कुछ भी नहीं पता होता इस टाइम आती है। तो खैर काफ़ी मुश्किल हो रही है यार इस वजह से, और आपको पता है लोड शेडिंग तो हर जगह ही मुसीबत बन के खड़ी हुई है। खैर यार काफ़ी दिन हो गए, पूरे 24 दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूं मैं, और पूरे 14 दिन बाद एक ब्लॉग आएगा हमारा। तो यार बहुत बहुत सॉरी इस चीज़ के लिए कि मैं 24 दिन तक कहा था, ये भी आप लोगों को बताता हूं सब। खैर सबसे पहले मैं आप लोग यार दिखा दूं एक चीज़ जो कि आज हमारी निकली है, और अच्छी खासी अभी लाइट जल रही थी इसकी। यार अभी तुम लोगों ने देखा दोस्तों, छत पे मैंने दिखाया है कि कैसे बच्चा निकला है, तो कबूतर के नीचे हमने रखा हुआ था अपना जो पोडिनो लोडून का नाम भूल गया यार मैं, तो उनके नीचे रखे हुए थे हमने ये 2 अंडे, तो 1 अंडे में से बच्चा निकला है माशाल्लाह से। और 2-3 दिन से हम इसको चेक करे जा रहे थे, तो आज इसने ज़्यादा आवाज़ निकाली है, तो हमने बोला यार तोड़ दो अंडों को, क्योंकि वो अंदर मर सकता था। 1 अंडा अभी भी नीचे है, वो ले जाके दिखाता हूँ, और 1 जो बच्चा निकला है ये आप लोगों को दिखाता हूँ। खैर जल्दी से लाइट ऑन हो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, हो जाए यार जल्दी। तो यार दोस्तों कहाँ है वो रहा, वो देखें थोड़ा सा मैं खोल के भी दिखा दूँ तुम लोगों को, वो देखें वो रहा बच्चा माशाल्लाह से, ये रहा हमारा छोटा सा। तो यार इसको मैं ज़्यादा नहीं दिखाता, क्योंकि अगर इसको मैंने दिखा दिया और खोल के ज़्यादातर, तो यार इसको ज़रा सा भी कुछ हो गया ना तो मेरे पे बल्ली आ जानी है पूरी की पूरी, और अत्थर भाई हमजा सारे के सारे आ जाएंगे। तुमने दिखाया था, भले मैंने अभी थोड़ा सा खोला है, अभी भी इसको अल्लाह ना करे कुछ होगी ना तो मेरे पे आ जाएगा कि नहीं करो। खैर ऐसा खोलते नहीं, क्योंकि यार ये सूख जाए दोस्तों, इसको 1 दिन हम रखे रहने देंगे, कल ये छोटा सा हमारा माशाल्लाह इंशाल्लाह इसको पानी देंगे, और वो क्या क्या करते हैं इसके बाद में वो भी आप लोगों को कल बताऊंगा व्लॉग में, कि जब बच्चा छोटा सा निकालता है तो उसको किस तरीके से पालना है, क्या करना है, तो वो कल के व्लॉग में बताऊंगा। बाकी दोस्तों मैं कहाँ गायब था भाई, तो आप लोग हालत देख रहे हो कमरे की मैंने क्या की हुई है। ये देखो ये कपड़े, ये कपड़े, ये हालत कुछ ऐसा बखेरा हुआ है, कबाड़ा करा हुआ है मैंने। इसकी वजह ये थी कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा शदीद। एक तो मेरे गले का ऐसा ख़तरनाक इन्फेक्शन हुआ था कि तकरीबन 1 हफ्ते तक मेरी आवाज़ नहीं निकली है गले से, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं परेशान होकर रह गया था, काफ़ी मेरे से पूछ रहे थे, मेरे एरिया में पूछ रहे थे जो लोग वीडियो देखने बोल रहे हैं, वीडियो नहीं आ रही क्या बात है, चैनल बंद कर दिए कि क्या कर दिया तुमने, क्या पीछे हो गए, डिसअपॉइंट है। मिला नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ, मेरी तबीयत सेट नहीं हो रही है, और दूसरा मेरा बुखार उतर के नहीं दे रहा था। तो खैर इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मामला आए हुए थे, और एजुकेशन भी साथ चल रही है, तो सिर्फ ये 2 वजह थी। खैर यार ये मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों नहीं आ पा रहे थे व्लॉग। अब चलते हैं छत पे और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं सेटअप, और एक बैड न्यूज भी है। चलो भाई आ गए छत पे। क्या हो गया, अरे क्यों चीखे जा रहे हैं? तो ले दोस्तों आ गए हम सेटअप पे, हमदा जो है वो खाना बनाने में लगा हुआ है उनका, हर बार की तरह जैसे बना रहा होता है, और बाकी सेटअप हमारा माशाल्लाह से देख लें। अभी भी हमने ढक ढाक के रखा हुआ है भाई, ढकने की वजह एक ही है, क्योंकि सर्दी गर्मी मौसम थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा था, गर्मी अचानक बीच में इतनी शदीद आई थी, पर ठंड ने वापसी इतना शदीद झटका मारा कि क्या बताएं दोस्तों, रात में शदीद ठंड होती है, इस वजह से हम अभी भी पूरे सेटअप को ढक के रख रहे हैं, वापसी से हमने ढक दिया, बीच में हटा दिया था पर अब वापसी ढक दिया है। खैर बाकी मैं दिखाता हूँ, इनके पास निकला है दोस्तों हमारा बच्चा, तो इनके नीचे एक और अंडा भी रखा हुआ है, और ये अंडा जो है हमारा इसको हम कल चेक करेंगे, कल के व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि हमजा भी यही बोल रहा था कि यार हमें लगता नहीं है,
कि अभी उसमें कुछ उसके मतलब तासुरात ही नहीं लग रहे हैं। हमने अंडा लग रहा है, निकालेगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा, पता ही हूँ। जब तुमने चेक करा था ना, उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा है उसमें अंडे में, है ना। तो यार उस अंडे का देखते हैं दोस्तों, लक बाय चांस है, अगर निकल आया तो ठीक, नहीं निकला तो भाई क्या कर सकते हैं, कोशिश तो हमारी पूरी थी। बाकी इन्होंने यार एक बच्चा तो निकाल लिया माशाल्लाह से। हाँ थोड़ा सा व्लॉग लंबा होगा, और यार एक जो तुमने हरकत की है वो भी तो दिखानी है ना बेटा, वो भी तो दिखानी है ना एंड में। जो बैड न्यूज है ना दोस्तों, वो इसी शख्स की वजह से हुई है। वो क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो क्या है। तो भाई हमारा हीरा ये रहा दोस्तों, माशाल्लाह से सेहतमंद, बिल्कुल तंदुरुस्त। इसके साथ हमने तमाम मादियाँ हटा दी, इसके फिर से पर खींचना शुरू कर दिए थे। कौन से? वो तो कल दिखाऊंगा मैं। एक से दो दोस्तों सरप्राइज है, सब एक वीडियो में, सारा कंटेंट एक वीडियो में देते हैं। लंबी नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है भाई, इससे आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा क्या मैं? आधे घंटे की वीडियो नहीं, मुश्किल से 10 मिनट इतनी चल जाती है, पर इतनी लंबी नहीं भाई। बाकी यूट्यूबर भी हमने तुमने देखा है, कंटेंट बार बार अलग अलग तरीके से देते हैं, हैं? देखा होगा बच्चे हो रहे होते हैं उनके। तो बहुत लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं लोगों के। तो भाई खैर हमारा पेट व्लॉगिंग है भाई, तो हमारे 22 दिन में बच्चे आ जाते हैं। क्यों भाई? तो 22 दिन में बच्चे आ जाते हैं, बाकी जो यूट्यूबर है उनका तो छोड़ ही दो भाई, तो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हो जाती हैं, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई। तो खैर दोस्तों हमारे इनको दिखाते हैं बजिस को, माशाल्लाह से ये देखें, ये वही बच्चे हैं दोनों जो निकले थे, कितने बड़े हो गए हैं यार माशाल्लाह। बाकी इसके अंदर जो है कुछ अभी ऐसा खास बदलाव नहीं है, हमारा जो पूरा इस वाला सेटअप है इसका कुछ भी नहीं हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ ना। क्या बदलाव हुआ? अपनी, अरे हाँ, पर यार उस टाइम मेरी तबीयत भी तो सेट नहीं थी दोस्तों। एक बैड न्यूज़ ये थी कि इसके अंदर ना हमारी एक मादी मर चुकी है, और वो कैसे मरी है कुछ समझ नहीं आया भाई, वो शायद बीमारी में आ गई थी थोड़ी बहुत, आ जाते हैं अक्सर, तो वो हमें बस यहाँ पे पड़ी हुई मिली थी मरी हुई, बिल्कुल यहाँ पे सुखड़ी हुई बिल्कुल। और ये देखें बिल्कुल तंदुरुस्त है माशाल्लाह से, बाकी सारे सेट हैं, पर वो मरी हुई मिली थी। अक्सर मर जाते हैं क्योंकि बीमारी आ रही है, आ जाती है दोस्तों, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो बस इसके अंदर यार वो मर गई, बड़ा दुख हुआ हमारे को। बाकी भाई ये हमारा एक जोड़ा व्हाइट वाला जो लाए थे हम ये जोड़ा हमने दिखाया था, अभी ये नहीं दिखाया हमने, नहीं यार मुझे याद पड़ रहा है, दिखा दिया मैंने पक्का, यार मुझे याद ही नहीं है, बताओ कितनी कितनी चीजें रह गई दोस्तों। खैर इतना टाइम बाद आए तो भाई खैर होता है, आप लोग देख लें। ये एक और हम लाए थे अपने पास, और ये मादी तो आप पहचानते हैं, गलवा, ये गलवा मादी हमारी, हमने इसके साथ लगा दिया नर के साथ, और हमने इसकी मादी कहा है जो इसके साथ भी तो मादी आई थी ना, जिसने अंडा दिया सुबह, उसने अंडा मैंने इधर से निकाला, इधर है। तो भाई ये लें, मैं हटा के दिखा दूंगा आप लोगों को, ये रही इसके साथ की मादी, और माशाल्लाह से यार मादी बहुत नस्ली मादी है दोस्तों, बहुत नस्ली मादी है, और प्योर हीरा है, प्योर बिल्कुल जिसे बोलते हैं हम। और इसके साथ ये नर लाए थे भाई, अथर भाई लेकर आए थे, ये दोनों ही लेकर आए थे, मेरा तो जाना नहीं हुआ था भाई सीधी बात। और बाकी जो है हमारी एक जो है दो चीज़ें मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को, सारा मैंने बोला ना सारा कंटेंट नहीं दे सकते एक दिन में यार, और भी वीडियोज़ बनानी होती हैं। हमारे कॉकटेल माशाल्लाह से सेट हैं बिल्कुल, ये हमारे व्हाइट वाले, हाँ हाँ पाल कर लियो, पाल कर लियो, देखो हमदा प्यार आ रहा है ये देखो। बाकी दोस्तों माशाल्लाह सब सेट हैं हमारे, तीतर और मिश्रियों को तो आपने देखा हुआ है, और ये बाबा जी जिन्होंने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है, चीखता रहता है, इसका डेली का वही रूटीन चल रहा है, कोई रूटीन नहीं हुआ आगे पीछे, वीडियो नहीं बननी थी, पर इसका चीखना डेली बेसिस पे शामिल है। और इसके नीचे भी हमने अंडे मुर्गी के रखे हुए हैं दोस्तों, वो देखें फ्रंट से, इसका भी दुआ करें बस के ये भी अंडे निकाल दें। और बाकी इनक्यूबेटर में हमने अच्छे खासे अंडे रख दिए हैं जितने थे, और पूरा सेटअप कर दिया उसका, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या सेटअप करा पूरा। किसको खोलना है तो मुझे बोल के गया, मैं भूल गया, मैं समझ ही नहीं आया। अरे यार वो भी रह गया, चलो पानी भर के भी खोलो तो पहले यार दोस्तों इसको खोलते हैं, और फिर मैं एक जो आखिरी हमारी बैड न्यूज़ है, सब कुछ तो मैंने आप लोगों को तकरीबन दिखा दिया, तो खैर एक बैड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, और एक और ख़बर है वो भी शेयर करूँगा मैं,
तो यार आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, देख लेना, खिंच जाएगी लंबी, क्या करूँ, इतनी सारी बातें हैं, पूरी 25 दिन की बातें मैं आज एक दिन में कर रहा हूँ। एक और चीज़ दोस्तों, इससे पहले हमजा आए, जब तक हमजा इनको खाना पीना डाले तब तक मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हमने डफ जो है सील कर दी सारी, और हमजा ही लेके गया था वो भी, और एक जो हमारा तीतर था वो हमारा उड़ गया, और तीतर बोल रहा हूँ बटेर, तीतर बटेर एक जैसे लगते हैं, तो बटेर वो उड़ गया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ भाई का दिया हुआ एक बटेर बचा है, जो मेरे पास गिफ्ट आया था, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा है। वैसे वो बटेर जो था सही था, पर वो उड़ गया, वो मैं शायद पहले वीडियो में बता चुका हूँ जब उड़ा था, तो बहुत पहले का ही उड़ा हुआ। बाकी डव है हमारी गई यार, क्योंकि ना वो बच्चे हमने कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और उनका ना बिल्कुल ख़राब हुआ था मामला यहाँ पर, तो इस वजह से डव को हमने सेल आउट कर दिया, सीधा सीधा ख़त्म बस। और बाकी इसका क्या मामला है ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि ये कहाँ से आई है, क्या है, और हम कब लाएँ, और कब आई है। बाकी यार एक बहुत दुख की खबर है दोस्तों, अब मैं वो बताता हूँ, वो हमजा भी आप लोगों को बताता है। हमजा क्या हुआ हमारे साथ, कितना बड़ा बताओ यार, कितना बड़ा वो हुआ है, सानिया, यही सानिया जो हमारे साथ हुआ है, क्या हुआ यार, कैसे लेके हैं बस यार दोस्तों, पता भी नहीं चला, और रात ही रात में सारी कहानी हो गई, बस क्या बताएं, जाने वाली चीज थी, क्या कर सकते हैं, वो आए हैं और थोड़ा ड्रामा टिकट डाल लूं, चलो ड्रामा टिकट डालते हैं, थोड़ा दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं, थोड़ा सा मैं फेस बना लेता हूँ इमोशनल, और थोड़ी ना सही है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो यार खैर तफरी को साइड में करते हैं थोड़ा सा, वैसे मेरे को बड़ा अफसोस है यार, तो हमारा आप लोगों को याद होगा रैबिट का पूरा कुंबा जो यहाँ पे था, और इसका असली विलन जो है ना वो ये शख्स बैठा हुआ, ये रहा ये बैंड वाला जो लड़का है, कहाँ करें बेटा बताना है भाई, बात ये हाँ हमारा मर गया था, हाँ खरगोश जो मार दिया था मर गया, हाँ टांग जो टूटी थी, टांग नहीं टूटी थी इसके, फिर भी हाँ एक सिस्टर के पास था, एक सिस्टर के पास मर गया, सही है, छह बच्चे थे, छह थे, चार अपने पास थे, चार अपने पास, चार हमारे पास थे, और वो दो माँ बाप जैकी, तो खैर जैकी का खैर है, हाँ तो क्या करा, बात ये कि वो गंदगी एक तो बहुत कर रहे थे, ऊपर से हमारे इन पे बर्ड्स पे हमला कर रहे थे। अच्छा भाई मैंने अच्छा फैसला किया, मैंने मरतबा हमने पकड़ा उन्हें, वो दोस्तों हवा में उड़े थे, यहाँ पे बर्ड्स पे हमला करा उड़ के उन्होंने, फिर यहाँ पे हमला करा, मुर्गे को पकड़ लिया था गले वाले से, ना हाँ ईटे हाथों से निकाल निकाल के यहाँ से फेंक रहे थे बाहर नीचे, बच्चे बच गए गली में, बच्चे का बंदे का सर बच गया, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे इसने, तकरीबन किलर बना दिया उन्हें, और पता नहीं क्या क्या करके इस शख्स ने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उनको बेच दिया खड़े खड़े, सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर फैसला कर कर आके, हैं कितने बेचे थे, कितने बेचे थे याद है, याद कुछ तो याद होगा, राउंड फिगर 3-4 है ना, 3-4 इतने में था, तो 3-4 हज़ार के 20 के अंदर अंदर चले गए वो। लेकिन दोस्तों मेरे को यकीन माने इस पर इतनी खार चढ़ रही थी, मैंने नहीं तुमने होशियार मेरे पे मत डालो, मेरे पास इंशाल्लाह दोस्तों तबीयत उस वक्त सही नहीं थी, इंशाल्लाह थोड़ा बहुत मैं जब भी कुछ करूँगा, और जब बड़ा सेटअप इंशाल्लाह करेंगे, जब भी करेंगे तो मैं इंशाल्लाह बेटा मेरे अच्छे भी बनाएंगे देखना तुम, और ऐसा बनाऊँगा सेटअप बस थोड़ा चैनल सेट हो जाए तो मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें करता हूँ हल्के हल्के, और थोड़ा बहुत देख के चलना पड़ता है भाई बजट को, सीधी बात ये नहीं है कि पैसा कोई धन ऊपर से बरस रहा है और उड़कर हम लाएं और ऐसे खर्च कर दें, ये लो भाई आज ये बना दिया, यहाँ पिंजरा लिया है, यहाँ ये बना दिया, वो देखो छत पे दोस्तों मोड़ लिया है, भाई हमने अपना खाना भी देखना है उनका भी देखना है, तो उनको ला के रखूँ और ऐसे ही बस ऐसे ही रखने के लिए दिखाने के लिए वीडियो में तो बेकार है, मोहब्बत है तो बंदा लाए और पाले, उनको टाइम दे फिर अच्छा तो पाले मेरे हिसाब से, तो भाई जितनी चीज़ों का भी मैं टाइम दे सकता हूँ, खिला पिला सकता हूँ, उतना मैं कर रहा हूँ और मेरे भाई भी कर रहे हैं। तो बस दोस्तों ये थी यार बैड न्यूज़ कि हमारे रैबिट जो हैं वो चोरी नहीं हुए, वो चले गए, जो सस्पेंस हम बनाना चाह रहे थे पर हम तो बन नहीं पाया, कर लेंगे यार कभी से, हमने कभी से चलो स्क्रिप्टेड वीडियो डाल दिया करेंगे, क्या कहते हो, स्क्रिप्टेड यार मजा नहीं है, रियल दिखाओ ना। अच्छा नहीं यार कभी करेंगे ऐसी स्क्रिप्टेड जो मजा है आप लोगों को देखने में, ये नहीं कि उसके अंदर किसी जानवर को नुकसान हो, अल्लाह ना करे, लेकिन मजेदार स्क्रिप्टेड जानवर नहीं वाला नहीं करेंगे ना यार, तफरी वाला तो सभी करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, खैर आधे ज्यादा अब तो स्क्रिप्ट ही चल रहा है भाई। खैर दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, कैसा लगा हमारा जो जो चीज़ें लाए, और खैर यार मेरे लिए आज की वीडियो
एक दुख के हिसाब से है, जो आज की वीडियो का जो एक वो कॉन्टेक्स्ट आएगा ना वो एक तरीके से दुख है क्योंकि रैबिट चलेगा यार। तो यार दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। बाकी भाई सब कुछ दिखा दिया ना मैंने, हमने सब दिखा दिया ना, सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को, आकी आधी इन्फॉर्मेशन कल दूंगा क्या सरप्राइज है क्या नहीं वो सब आप लोग कल देंगे और इंशाल्लाह अब डेली वीडियो में अपलोड करूंगा, आपका भाई ज़रूर करेगा क्योंकि यार रोज़े भी आ रहे हैं माशाल्लाह से, रोज़ों की आमद आमद है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो हैप्पी रमदान इन एडवांस आप सबको और अब इंशाल्लाह डेली होगा।